अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू जो भी आज हमें सेशन के अंदर हमें देख रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो उम्मीद है कि आप सब इस मुश्किल घड़ी के अंदर COVID-19 के सिनेरियो से महफूज होंगे और अल्लाह पाक के रहम व करम से अपने कामों के अंदर मसरूफ़ होंगे। तो सबसे पहले आज जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो है बूटस्ट्रैप 5, जिसका न्यू अल्फ़ा वर्जन जो है वो रिलीज़ हो चुका है, जिसके अबाउट हम आज बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं होगा और हमारी भी थोड़ी एक संभलने हेल्प हो जाएगी और हमें एक संभलने के मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, हमें काम करना चाहिए और इस तरह के वीडियोज़ बनाने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं बूटस्ट्रैप 5 की तरफ। तो हमारे बूटस्ट्रैप 5 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाई यूज बूटस्ट्रैप, हम बूटस्ट्रैप को यूज क्यों करते हैं या वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज इट इन वेब डिजाइनिंग। तो हमारे पास बूटस्ट्रैप को वेब डिजाइनिंग के अंदर हम क्यों यूज करते हैं या इसकी जरूरत क्यों है। तो हमारे पास बूटस्ट्रैप जैसे कि हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, जो पहले बूटस्ट्रैप हमारे पास HTML, CSS और JavaScript और jQuery पे जो है आप संभलने के डिपेंड करता था और उन चीज़ों पे या उन चीज़ों से मिलके बनाया गया एक फ्रेमवर्क है जो हमारा हम यूज़ करते थे। और ये कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है या एक फ्रेमवर्क है जिसमें तकरीबन चीज़ें बिल्ट इन मिलती हैं, यानी बटन्स, नेविगेशंस, कैरोसल जिन्हें हम स्लाइडर्स कहते हैं, या जो हमारे ग्रिड सिस्टम की जो संभलने की इस तरह के जो फीचर्स हैं जिनसे हमारी रेस्पॉन्सिवनेस और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरे यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंशन की हुई हैं कि बूटस्ट्रैप हमारे पास इंक्रीज करता है डेवलपमेंट स्पीड, ठीक हो गया, क्योंकि तकरीबन चीज़ें अगर बिल्ट इन मिलेंगी तो एज अ डिज़ाइनर सिर्फ आपको यूज़ करना है, हमारा ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा जो हमारी समझ लें डिज़ाइनिंग के थ्रू हम बैठ के CSS और इस तरह की चीज़ें दें और आपकी जो है रेस्पॉन्स वगैरह चीज़ों को बनाएं, ठीक है। एश्योर रेस्पॉन्सिवनेस, तो सबसे बड़ी बात कि ये हमारी रेस्पॉन्सिवनेस हमारे वेबसाइट्स के अंदर इंक्लूड कर देता है, इससे हमारा टाइम बचता है। जबकि हम CSS3 के थ्रू भी रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को मीडिया क्वेरीज के थ्रू, लेकिन आपके बूटस्ट्रैप के अंदर ये बिल्ट इन सपोर्ट है कि हम ग्रिड सिस्टम वगैरह को यूज़ करके अपनी जो है रेस्पॉन्सिवनेस को मेंटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप। प्रिवेंट रिपीटेशन बिटवीन प्रोजेक्ट्स, आपको बार बार वो चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ जो हमारी क्या होती हैं जो गिवन कंपोनेंट्स होते हैं आपकी जो चीज़ें होती हैं ये हमारा टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं करती और वो मल्टीपल चीज़ें हम हर एक प्रोजेक्ट के अंदर बार बार यूज़ कर सकते हैं और हमारा इसमें बहुत सारा टाइम बचता है और हम बहुत ही स्पीडी टाइप ऑफ यू कैन से के डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंश्योर क्रॉस ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी, ठीक है जी, जैसे आपने CSS3 और इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं तो उनके नंबर ऑफ़ फीचर्स किसी भी ब्राउज़र में सपोर्टेड होते हैं तो किसी में काम नहीं करते, लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास क्रॉस ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी है, ठीक है। उसके अलावा लार्ज कम्युनिटी है। अब लार्ज कम्युनिटी का फ़ायदा ये मिलता है कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में आ जाती है और उसके डिफरेंट तरह के जो समझ लें डॉक्यूमेंटेशन कंपोनेंट और उसके अबाउट जो इश्यूज़ होते हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे बंदों को आ चुके होते हैं, वो रिजॉल्व हो चुके होते हैं, ठीक है। तो लार्ज कम्युनिटी से हमें पता चल जाता है कि ऑलरेडी जो चीज़ यूज़ हो रही है वो सबके काम आ रही है और उसके अलावा उसके जो इश्यूज़ हैं उसके अबाउट बहुत सारी चीज़ें एज अ सॉल्यूशन हमें मिल जाती हैं। अच्छा, कस्टमाइजेबल है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन बूटस्ट्रैप 5 के अंदर ज़्यादा कस्टमाइजेशन है अगर आप कंपेयर करोगे बूटस्ट्रैप 4 के साथ, ठीक है। तो व्हाट इज़ न्यू इन बूटस्ट्रैप 5? तो हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 के अंदर न्यू क्या आया है या किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है तो हम कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे और जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स आया तो इंशाल्लाह हम उनके ऊपर बाकी वीडियोस भी बनाएंगे और जो भी हमारी चीज़ें होंगी इसके अंदर हम उनके ऊपर इंडिविजुअली भी हर कंपोनेंट हर तरह के फीचर पे अलग अलग भी वीडियो बनाएंगे। सो व्हाट इज न्यू इन बूटस्ट्रैप 5 इज कंपेयर टू बूटस्ट्रैप 4? तो हमारे पास सबसे जो मेन संभलने की चीज़ें जो बूटस्ट्रैप 5 के अंदर इंक्लूड की गई हैं वो ये हैं कि jQuery isn't required anymore, however you can still use jQuery methods if you wish। तो सबसे पहले एक फीचर जो यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 के अंदर आपको मिलेगा
वो ये है कि इन लोगों ने जेक्यूरी 5 को रिमूव कर दिया है आपके बूटस्ट्रैप जो हमारे 5 वर्जन के अंदर से। उसकी वजह यह है कि जेक्यूरी के बहुत सारे जो हमारे संभलने गिवन कंपोनेंट है वो मसले करते थे, बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ पर्सन जो है उसके अबाउट जो है इनका फीडबैक दे चुके थे बूटस्ट्रैप 4 तक। तो उन लोगों ने जेक्यूरी को रिमूव करके वेनिला जावास्क्रिप्ट के नाम से एक जावास्क्रिप्ट की संभलने हमारी प्योर जावास्क्रिप्ट आप कह सकते हो वो यूज़ की है। इवन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि जेक्यूरी के कुछ फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं इसके साथ तो फिर भी आप कर सकते हैं और इस तरह की सारी सपोर्ट्स अवेलेबल है। ड्रॉप इंटरनेट एक्सप्लोर 10 and 11 सपोर्ट। अब तीसरी पॉइंट यहाँ पे यह है कि इन लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर भी ये सपोर्ट दे दी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी काम किया होगा अगर आप क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाई हुई या डिज़ाइन की हुई चलाते थे तो वो सही चलती थी, जबकि वो इंटरनेट एक्सप्लोर के ऊपर मसले क्रिएट करती थी क्योंकि बहुत सारे फीचर आपके सपोर्टेड नहीं थे या आपका इंटरनेट एक्सप्लोर उसको सपोर्ट नहीं करता था। तो इन लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोर 10 और 11 के अंदर भी बूटस्ट्रैप 5 की सपोर्ट दी है और आप वहाँ पे भी इनकी बनाई हुई वेबसाइट जो बूटस्ट्रैप 5 की होंगी वो आराम से चला पाएंगे और आपका सेम लुक होगा जो आपके अदर वेब ब्राउजर्स के ऊपर है। लेकिन जो मॉडर्न आपके नंबर ऑफ समल वेब ब्राउजर्स हैं उनमें तो ऑटोमेटिक सपोर्ट थी, प्रीवियस वर्जन्स को भी थी और इनको भी है। द यूज इफ जावास्क्रिप्ट इज मिनिमाइज इन फेवर ऑफ सीएसएस कस्टम प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल। तो हमारे पास इन लोगों ने सीएसएस की कस्टम प्रॉपर्टीज भी अवेल की हैं जिनको आप यूज करके अपनी कस्टमाइजेशन को जो है परफॉर्म कर सकते हैं इन बूटस्ट्रैप 5। उसके अलावा इसके अंदर आपकी न्यू APIs अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। इन लोगों ने ग्रिड सिस्टम को इन्हेंस किया है, क्योंकि अगर आप ग्रिड सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो वहां पे XL तक यानी एक्स्ट्रा लार्ज तक साइजेस अवेलेबल होती थी, लेकिन बहुत बड़ी स्क्रीन होती अगर XL से भी ज़्यादा, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि बहुत बड़ी स्क्रीन्स या बहुत बड़ी जो है LCDs हमारे पास बन रही हैं जिन पे भी अगर आपकी वेबसाइट ये चलाई जाए, तो इन लोगों ने XSL या डबल XL की साइज भी कॉलम्स की प्रोवाइड की है आपके ग्रिड सिस्टम के अंदर। इनहेंसड मॉडुलरिटी, देखें मॉडुलरिटी इन्हेंस कैसे की है कि आपके पास जब कोई आपका जो है संभलने बूटस्ट्रैप 4 है तो 4 के बाद अगर 4.1, 4.2, 4.3 इस तरह से अगर आपका कोई मॉड्यूल आ रहा है या आपका वर्जन आ रहा है तो उसको हम कहते हैं कि उसमें माइनर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका डायरेक्ट जैसे बूटस्ट्रैप 4 से 5 आ गया, इसका मकसद यह है कि कोई मेजर चेंज आई है, ठीक है, कि बूटस्ट्रैप 4 जिस कोडिंग में लिखा गया उसमें अगर बूटस्ट्रैप की 4.1 वर्जन आता है, इसका मकसद आपका पूरा कोड वो किया हुआ था, थोड़ा सा कोड ऐड करके उन लोगों ने 4.1 इंक्लूड कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर बूटस्ट्रैप 5 आया, इसका मकसद पूरा का पूरा कोड जिसमें ये बूटस्ट्रैप लिखा गया है वो फिर से बनाया गया, क्योंकि उन लोगों ने जेक्यूरी को भी निकाला है। तो एक पूरा मॉड्यूल या पूरा वर्जन आप संभल लें क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका ये जो है एनहेंसड मॉड्यूलरिटी है। उसके अलावा एनहेंसड कस्टमाइजेशन, आपको सबसे बड़ा मसला ये होगा बूटस्ट्रैप 3 और 4 के अंदर के जो कंपोनेंट मिलते थे तो बिल्ट इन थे, उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने जो कस्टम सीएसएस की जो है वो चीज़ें दी हैं, प्रॉपर्टीज दी हैं, उनके थ्रू आप जो है अपने उस कंपोनेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। और इन लोगों ने कुछ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स न्यू दिए हैं, कुछ हेल्पर्स और यूटिलिटीज वेरिएशंस दिए हैं, कुछ डिफरेंट कलर्स दिए हैं, और इन लोगों ने जो कंपोनेंट काम के नहीं थे वो भी रिमूव कर दिए हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि इन लोगों ने जंबोट्रोन का एक जो हम हेडर के लिए यूज़ करते थे वो भी इन लोगों ने निकाल दिया है। उसके अलावा आजकल SVG का बहुत बड़ा जो है या SVG जो आइकन्स मिलते हैं या इमेजेस मिलती हैं उनका ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं इसको। तो इन लोगों ने जो है पहले आपको पता होगा कि 280 या 290 तक जो आइकन थे इन लोगों के प्रोवाइडेड थे, अभी इनके अप्रोक्सीमेटली 700 से भी अबव आइकन फ्रीली अवेलेबल किए हैं लोगों ने जो है हमारे बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, और वो आपके SVG आइकन है, ठीक है। अब SVG आइकन वो होते हैं जो कोडिंग से बनते हैं, ये PNG या पिक्सल बेस्ड नहीं होते या वेक्टर ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग नहीं होते, ये सारे के सारे कोडिंग बेस्ड होते हैं। इनको जितना जूम आउट या जूम इन कर लो इनकी जो क्वालिटी होती है आइकन्स की वो लॉस नहीं होगी, क्योंकि ये SVG आइकन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ न्यू वर्जन से अगर मैं आपको बूटस्ट्रैप की जो है वेबसाइट पे लेके चलूं, तो इन लोगों ने जो है गेट बूटस्ट्रैप लिखेंगे आप और यहाँ पे आके अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो अभी आपके इनके साइड के ऊपर आपको 4.5 तक की सपोर्ट ही मिलेगी,
आप बोलेंगे कि फाइव तो यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू जो आपका बूटस्ट्रैप 5 अल्फा वर्जन रिलीज हुआ है वो भी 16 जून को हुआ है, यानी आप समझ लो कि हमारे पास 6 दिन पहले जो है ये रिलीज हुआ है। तभी बहुत सारे बंदों को आइडिया ही नहीं है कि हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 जो है वो आया है या नहीं आया। तो ये अल्फा वर्जन है और अल्फा भी फर्स्ट अल्फा है, क्योंकि आपका इसका सेकेंड अल्फा भी आएगा। अब अल्फा वर्जन या बीटा वर्जन क्या होते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि पहले 4.5 जो है इज अ बीटा लिखा होता था इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो अल्फा वर्जन वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम रिलीज होते हैं, उनके बाद इनका अल्फा 2 आता है, यानी 2-3 मंथ के बाद ये लोग क्या करने वाले हैं, इसका एनहेंस्ड अल्फा वर्जन रिलीज करने वाले हैं। यानी ये पहला वर्जन है, इसमें और चीजें हैं जिन पे ये काम करेंगे, उसके बाद इसका कंप्लीट एक अल्फा जो है वर्जन रिलीज करेंगे, उसके बाद बीटा आएगा और उसके बाद आपकी जो है समझ लें कि फाइनल रिलीज होगी। तो इट विल टेक सम टाइम, जब तक आपके ये अल्फा या बीटा वर्जन आते रहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको गिटहब के ऊपर आप जो है क्या कर लें, फीडबैक दें अकॉर्डिंग टू दिस बूटस्ट्रैप 5 वर्जन, ताकि ये जो है ना वो अपने कम्युनिटी से पूछते हैं कि आप जो चीज़ें इसके अंदर चाहते हैं या नहीं चाहते, फिर जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड करते हैं, जो नेगेटिव होती हैं वो रिमूव करते हैं। ठीक है जी, तो बूटस्ट्रैप अल्फा का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी, कि इन लोगों ने बूटस्ट्रैप नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन जेक्यूरी एंड ऑल द थिंग्स जो आपके इंटरनेट एक्सप्लोर के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया था। न्यू लुक एंड फील अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके जो प्रोवाइडेड आपकी बूटस्ट्रैप 5 की चीज़ें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपका वो बिल्कुल न्यू लुक है, और आपके जो है वो नंबर ऑफ आइकन्स जेक्यूरी एंड जावास्क्रिप्ट, आप प्योर जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और जेक्यूरी की जो आप थर्ड पार्टी देते थे उसकी देने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए सीएसएस की कस्टम प्रॉपर्टीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि ये कुछ कस्टम प्रॉपर्टीज हैं जिनको अपने मर्जी से आप जो है यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं और दे सकते हैं। सिंपल आप समझ लें कि इस तरह से जैसे आप क्लासेस देते थे इस तरह से। इम्प्रूव्ड कस्टमाइजिंग डॉक्स, इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी पूरी की पूरी आप समझ लें इनकी अलग से बनाई है। ठीक है, अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लेके जाऊं तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बूटस्ट्रैप 5 का ये जो है जो हमारा न्यू वर्जन है, ये देखें करंटली 5.000 अल्फा 1 है जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप बाकी वर्जन जो बूटस्ट्रैप के यूज़ करते हैं क्लिक करेंगे यहाँ से आपको CDN भी मिल जाएंगे और आप इसको डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह का वर्जन डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं ईजली। यहाँ पे आपके दो फाइल मिलेंगे जहाँ से वो CSS के, jQuery की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने बताया कि इन लोगों ने इसको रिमूव कर दिया है। ठीक हो गया जी, और आपकी ये सारी चीज़ें ये देखें इन द फॉर्म ऑफ CDNs दे हैव प्रोवाइडेड जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो इनके जो नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं जो डॉक्यूमेंटेशन की हम बात कर रहे थे वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट के बने हुए कंपोनेंट्स को देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, डिपेंडेंसीज और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद जैसे मैंने बात की कि इन लोगों ने और भी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव की हैं, कस्टमाइजेशन दी हुई है, आप यहाँ पे आके तकरीबन कलर्स कंपोनेंट्स इनकी जो है कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये देखिए बूटस्ट्रैप के पहले ना 2-3 कलर मिलते थे, अब इन लोगों ने इस तरह के बटन इस तरह के बैकग्राउंड्स भी प्रोवाइड किए हैं जो बहुत अच्छे और क्लासी टाइप के हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा अगर आप लेआउट्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेक पॉइंट्स कंटेनर इनकी तकरीबन चीज़ें इन लोगों ने फिर से बना के दी हैं। इन लोगों ने फार्म्स को इम्प्रूव किया हुआ है, जो हमारे फार्म कंट्रोल इस तरह के जो भी हमारे संभलने होते थे कंपोनेंट, आप देखें इनको भी इन लोगों ने इम्प्रूव करके आपको दिए हुए हैं। उसके अलावा आपको और चीज़ें भी मिलेंगी कि आप यहाँ से आके वैलिडेशन इस तरह से अच्छा कंपोनेंट जो हैं जैसे अलर्ट्स हो गए या ब्रेड कम हो गया या आपके जो बटन्स हैं ये सारे जो हैं इन लोगों ने ये देखें डिफरेंट डिफरेंट जो है कलर इंक्लूड कर दिए हैं। देखें कितने क्लासी कलर्स हैं, ये पहले अवेलेबल नहीं थे, कुछ इनमें से अवेलेबल थे जैसे प्राइमरी हो गया, ठीक है, तो पहले ये सेकेंडरी नहीं था और आपका डेंजर तो था, वार्निंग था, लेकिन आपका जो है इस तरह से नहीं था लुक उसका। ठीक है, इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन लोगों ने तकरीबन चीज़ों को इम्प्रूव किया है और आप देख सकते हैं नीचे भी कि इन लोगों ने तकरीबन चीज़ें कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग हैव मॉडिफाइड, तो आप इसके थ्रू जो है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी बूटस्ट्रैप 4 या 4.5 पे बनी हुई वेबसाइट अगर आप मूव करना चाहोगे
5 के ऊपर तो अभी आप नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अभी ये अल्फा वर्जन है, इसमें अभी मॉडिफिकेशंस रहती हैं। जब तक इसका अल्फा 2 या इसका बीटा वर्जन नहीं आता, तब तक आपको इनके फीचर्स को पढ़ते रहना है। और इन लोगों ने बताया कि विथ इन 2 और 3 वीक्स जो है ये अल्फा 2 रिलीज करने वाले हैं, तो उसके बाद जो है आप अवेयर हो जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा। तो मैंने गूगल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बूटस्ट्रैप 5 की कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे निकाली हैं कि कितना ये ट्रेंडिंग में है या नहीं है। तो देखिए, 15 को इन लोगों ने शायद बताया होगा, जैसे ही इसकी 16 को रिलीज हुई है तो 17 को देखें कितना टॉप पे गया है, और ओवरऑल जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर। और आहिस्ता आहिस्ता से जैसे इनको पता चलता जा रहा है कि अल्फा वर्जन है, तो ये कम्युनिटी थोड़ा डाउन हो रही है, लेकिन अब देखें कम्युनिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो यानी आज है 22 जून, तो आज देख रहे हैं आज हमारे पास जो है ये इसकी बूटस्ट्रैप 5 की ट्रेंडिंग बढ़ रही है। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर टॉप पे हमारे पास बांग्लादेश है, जिसको समझ लें जो बूटस्ट्रैप को ज़्यादा सर्चिंग में ला रहे हैं, थाईलैंड है, उसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान भी जो है हमारे पास ट्रेंडिंग में है अकॉर्डिंग टू बूटस्ट्रैप सर्चिंग। ये प्रीवियस जो है 7 दिन की जो है आप ट्रेंड है जो मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये ट्रेंडिंग में चीज़ है। और इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदेमंद होगी जो हमारे डिज़ाइनर और डेवलपर्स के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली कमेंट्स के अंदर बताएं, ताकि मैं इसके ऊपर जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर इंडिविजुअली वीडियोस बनाऊं, यानी आपके जो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के फीचर्स हैं हर फीचर के ऊपर वीडियो बनाया जाए ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो सी यू इन नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।